नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह मेहरा प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक करंट अफेयर की अपनी छठी वीडियो क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर का जो हमारी क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? सब्बा नकवी। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है सब्बा नकवी है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये पुस्तक किस बारे में लिखी गई है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में जो बोला गया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में जो गठबंधन की सरकार की संभावना का विश्लेषण किया गया है इसमें। ठीक है, जो ये पुस्तक है इसमें जो अभी हमारे चुनाव चल रहे हैं लोकसभा चुनाव, उसके बाद देश में जो गठबंधन की सरकार बनेगी कह रहे हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि गठबंधन की जो सरकार की जो संभावना का जो विश्लेषण है इस बुक के अंतर्गत किया गया है। और जो सबा नकवी हैं दोस्तों, इनके द्वारा और बुक्स भी लिखी गई हैं। तो इनकी जो और अन्य बुक अदर बुक जो है दोस्तों, एक है गुड फेथ। ठीक है, एक गुड फेथ है, वो कब आई थी, इनने कब निकाली थी, वो 2012 में तो गुड फेथ निकाली थी। और एक है कैपिटल कॉन्क्वेस्ट है, 2015 में निकाली गई थी इनके द्वारा। और एक है शेड्स ऑफ सैफरन, 2018 में इनके द्वारा ये बुक निकाली गई थी। और 2019 में इनने ये पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ ये निकाली है। इसमें इनने क्या बोला है, मैंने आपको बता दिया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद देश में गठबंधन की सरकार की संभावना का विश्लेषण किया गया है, किसमें, इस बुक में। अगला क्वेश्चन है इसी में, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, जो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। ये प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो श्रम संगठन है दोस्तों, उनके द्वारा ये विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। किनके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये मनाया जाता है। ये कब से शुरू किया गया था? इसको दोस्तों 2003 से शुरू किया गया था इस चीज को, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य को प्रतिवर्ष 2003 से प्रतिवर्ष क्या है, ये 28 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो विश्व कार्य स्थल स्वास्थ्य है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना, इसका एक उद्देश्य है इस विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस का। ठीक है, ये 28 अप्रैल आप याद रखेंगे, और 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है इसी में, किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए मनोनीत किया गया है? दोस्तों, जो हॉकी खिलाड़ी की बात करें तो ये भारत इंडियन हॉकी टीम के जो गोल कीपर है दोस्तों, ठीक है, उनको ये जो पीआर श्रीजेश हैं, ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पीआर श्रीजेश हैं। ये इंडियन हॉकी, जो इंडियन हॉकी टीम के क्या हैं, गोलकीपर हैं। और जो ये राजीव गांधी खेल रत्न है, ये देश का खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है इसको। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। और इसमें क्या इनाम राशि क्या रहती है, 7.5 लाख रुपया क्या है इनाम के रूप में दिया जाता है। और इसमें दोस्तों जो ये जब इसका जो ये मनोनीत किए गए थे ये हॉकी, ये राजीव गांधी के लिए, इनके साथ साथ अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था। उसमें से कौन कौन है दोस्तों? एक अक्षयदीप सिंह को किया गया था, अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित है वो। और एक दीपिका सिंह है, दीपिका सिंह को भी क्या किया गया था, अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया गया था। और जो पी आर श्रीजेश हैं दोस्तों, ये इंडियन हॉकी के गोल कीपर हैं दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों कहाँ हुआ था, इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। जो इनका ये जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है, 8 मई 1988, केरल के एर्नाकुलम जिले में 8 मई 1988 को इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, जो जूनियर, याद रखना, जूनियर राष्ट्रीय खेल में इन्हें 2004 में अपना क्या कहते हैं अपना कदम रखा था। और जो सीनियर खिलाड़ी के रूप में ये 2006 में टीम में शामिल किए गए थे। ठीक है, कौन, पीआर श्रीजेश, इनको क्या किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मनोनीत किया गया है पीआर श्रीजेश को। ठीक है, अगला है इसी में,
हाल ही में सुर्खियों में रही मामलुह गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मामलुह गुफा है दोस्तों वो कहाँ है? वो मेघालय में है, ठीक है। और दोस्तों ये इसमें क्या है, जो हाल ही में जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दो जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए हैं इन्होंने। क्या किए हैं इन्होंने, क्या कर रखा है, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, उनने क्या कर रखा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दो जियोलॉजिकल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए हैं, उसमें से एक कौन सा है, ये एक मामलू गुफा है दोस्तों। और एक जो ये मामलू गुफा है, और इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, उसमें से इनका उद्देश्य है पर्यटकों का ध्यान, इस पर्यटकों को इस जगह के बारे में क्या है, जागरूक करना है, मतलब कुल मिला के पर्यटकों को आकर्षित करना है, ये इस गुफा के लिए इनका ध्यान आकर्षित करना है, किसका, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जो ये मामलू गुफा है कहाँ रहेगी, मेघालय में। और ये कहाँ है, जो वहाँ पर जो खासी जिला पड़ता है वहाँ को, वहाँ पर को वहीं पे पड़ता है, ये क्या है, मेघालय में, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए नए रेलवे जोन का निर्माण किया जाएगा? पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए नए रेलवे जोन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए जो हमारे अभी रेलवे मंत्री है, केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं दोस्तों, पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा क्या गया है, आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा करी गई है। और ये क्या है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन के नाम से जाना जाएगा। और इनके निर्माण की जो घोषणा कर रखी है हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। और जो इनका, इसका जो आंध्र प्रदेश का जो रेलवे जोन ने नया बनाया, इसका जो मुख्यालय होगा कहाँ है, उनने मुख्यालय कहाँ नॉमिनेट किया है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें गोल्ड्समैन एनवायरमेंटल प्राइज 2019 किसे दिया गया है? गोल्ड्समैन एनवायरमेंटल प्राइज 2019 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है ग्रास रूट पर्यावरण कार्यकर्ताओं को, याद रखना, ग्रास रूट पर्यावरण कार्यकर्ताओं को। ये दोस्तों पहली बात तो ये है कि गोल्ड्समैन एनवायरमेंटल जो प्राइज वो होता क्या है, वो किस कब से किनके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। जो गोल्ड्समैन एनवायरमेंट जो प्राइज है दोस्तों, यह एक मतलब वार्षिक, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, वार्षिक पुरस्कार है। और इसकी जो स्थापना हुई है, ये कब हुई थी, 1989 को, 1989 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, अमेरिका के रिचर्ड और रोंडा गोल्ड्समैन ने की थी। और इसी गोल्ड्समैन एनवायरमेंटल प्राइज को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों ग्रीन नोबल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका विजेता रहता है दोस्तों, उसको कितना जो इनाम के रूप में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला है इसमें सातवां क्वेश्चन, जयपुर कोटा तथा अलवर में आपदा के लिए किस कार्यक्रम को चलाया गया है? याद रखना, जयपुर कोटा तथा अलवर में आपदा के लिए किस कार्य को चलाया गया है दोस्तों? ये चलाया गया था, मतलब ये चलाया गया था 11-12 फरवरी को, अभ्यास राहत करके चलाया गया था ये कार्यक्रम। ये कब चलाया गया था, 11-12 फरवरी को चलाया गया था दोस्तों। और इस अभ्यास में विभिन्न संगठनों के बीच बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया गया था। और इस अभ्यास का जो प्रदर्शन दोस्तों NDMA है जो हमारी, उसके साथ मिलकर किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या थी, भारतीय सेना भी शामिल थी। अगला है, हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों जो भारतीय प्रवासी सम्मान 2019 किसको प्रदान किया गया है, राजेंद्र जोशी को किया गया है। किसको किया गया है, राजेंद्र जोशी को। अगला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र ने हाल में किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है? दोस्तों जो UNO है दोस्तों, UN जो सॉरी UNO का जो UN है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल में किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है? मसूद अजहर को क्या किया है उनने, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आतंक इसको मजूर जो मसूद अजहर है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो संपत्ति है जब्त तो हो सकेगी। अब इसके बाद जो है, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया, तो इसकी जो जितनी भी संपत्ति है वो कोई भी इसको क्या कहते हैं, इसको जब्त कर सकते हैं। और इस पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लग सकेगा। और UN ने इसे एक कब किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था मसूद अजहर को, कब किया था दोस्तों, UN ने इसको किया था 1 मई 2019 को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था। याद रखना, 1 मई 2019 को मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। किसके द्वारा, UN द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसमें,
जापान के 124वें सम्राट बने, दोस्तों जो जापान के 124वें सम्राट बने हैं कौन बने हैं, नारोहितो। जो नारोहितो हैं दोस्तों वो कौन को जापान के कौन से सम्राट बने हैं, 126वें सम्राट बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में बुरके पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, आपको पता ही है। तो दोस्तों वहां पर को जो श्रीलंका है दोस्तों, श्रीलंका ने क्या कर दिया है, बुरके पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उनका मानना यह था कि जितने भी जो बुरके वाले लोग हैं इसमें आतंकवादी भी जो उसका फायदा उठा ले रहे हैं, वो बुरका पहन के ऐसी घटनाएं कर दे रहे हैं, तो इसलिए उनको पहचानने में उनको कठिनाई हो रही थी, इसलिए श्रीलंका ने क्या कर रखा है, बुरके पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रखी है। ठीक है, अगला है इसमें 12वां, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। दोस्तों जो जिनको जो फ्रांस का सर्वाधिक सम्मान जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों किनको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों किरण कुमार को। याद रखना किनको दिया गया है, किरण कुमार को। दोस्तों थोड़ा इसमें जान लेते हैं, इनको फ्रांस का कौन सा जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है। दोस्तों जो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों उसका नाम है सिविलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर। किस नाम से जाना जाता है फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत का हमारा भारत रत्न है, ऐसे ही फ्रांस का सर्वोच्च जो सम्मान है सिविलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर का जो सम्मान दिया गया है किनको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों जो किरण कुमार है। दोस्तों ये किरण कुमार कौन थे, दोस्तों ये इसरो के क्या है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, और जो इनको जो ये सम्मान दिया गया है फ्रांस का कब दिया गया है दोस्तों, 2 मई 2019 को दिया गया है। याद रखना 2 मई 2019 को जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है सेवेलियर डी एल आर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर करके, वो सम्मान 2 मई 2019 को इनको दिया गया है। अगला है इसमें दोस्तों, हाल में उड़ीसा के तट पर जो चक्रवाती तूफान आया उसका क्या नाम है। दोस्तों जो चक्रवाती तूफान आया है दोस्तों उसका क्या नाम है, फोनी है। दोस्तों आजकल ये काफी चर्चा में चल रहा है, काफी भयावह तूफान माना जा रहा है इसको, जो चक्रवाती तूफान है दोस्तों। कई उड़ीसा के साइड में जितनी भी जो यहाँ पर को जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं, इसी में रोड संचार भी बंद कर दिया गया है, काफी भयावह तूफान है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये कब आया था जो उड़ीसा में, 3 मई 2019 को पुरी के दक्षिण में जो गोपालपुर है और उसके चांदवाली के बीच में उड़ीसा तट पर पहुंच गया था ये जो तूफान है दोस्तों, यानी कि जो फोनी है दोस्तों, ये कहां 3 मई को कहां पहुंच गया था, 2019 को 3 मई को उड़ीसा में आया था। मतलब कहां से आया था उड़ीसा में, ये पुरी के दक्षिण में गोपाल और चांदीबली है दोस्तों, उसके बीच से कहां पर उड़ीसा के तट पर पहुंचा था, यानी कि 3 मई 2019 को पहुंचा था। और जो उड़ीसा सरकार है दोस्तों वहां पर जो डेंजर इलाके हैं इस चक्रवात से प्रभावित इलाके हैं दोस्तों, वहां से उनने लगभग 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, जिनने उड़ीसा सरकार ने इस चक्रवात के चलते। ठीक है, अगला है दोस्तों इसी में, जो ये चक्रवात है मैंने आपको बता दिया कि 11 लाख लोगों को ये कहां है सुरक्षित स्थानों में पहुंचा भेज दिया गया है। और जो ये तूफान है दोस्तों, ये इस तूफान से उड़ीसा ही नहीं बल्कि जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों हमारा, वो पश्चिम बंगाल प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जो चक्रवाती तूफान फोनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस होता है दोस्तों कब मनाया गया, 3 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों, 3 मई को। दोस्तों जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, इसको क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो इसकी जो पहली बात तो ये है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसकी एक थीम होती है दोस्तों, जो इस वर्ष 3 मई को मनाई गई है, इसकी जो थीम थी दोस्तों, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। याद रखना इसकी जो थीम थी इस साल की, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी थी। ठीक है, और यह दिवस मीडिया जो मीडिया है दोस्तों, उसकी आजादी पर हमलों से जो मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को क्या होता है, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, इसके करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये चीज करी जाती है। और इसकी थीम मैंने आपको बता दी है, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मीडिया की जो आजादी है उस पर हमले होते हैं और मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले जो पत्रकार बंधु होते हैं हमारे, उनको जो श्रद्धांजलि होती है उसको अर्पित करने का कार्य करता है। अगला है दोस्तों इसमें क्वेश्चन,
सनौली नामक स्थान कहाँ है दोस्तों? जो सनौली नामक स्थान है दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सनौली नामक जो स्थान है दोस्तों आजकल काफी चर्चा, इससे तो कुछ दिन पहले काफी चर्चा में हुआ था इसमें हो कि ये सनौली नामक स्थान चर्चा में आखिर क्यों रहा, इसका क्या कारण था दोस्तों, इसमें थोड़ी डिटेल ले लेते हैं दोस्तों। जो ये सनौली नामक स्थान है दोस्तों वो ये पहली बात कहाँ पर को है? उत्तर प्रदेश के बागपत में पड़ता है, याद रखना उत्तर प्रदेश के बागपत में ये स्थान पड़ता है। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो भारतीय हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग था उनके द्वारा यहां पर क्या किया गया था, उत्खनन शुरू करा गया था। कब करा गया, उत्खनन शुरू किया गया था सनौली में कब क्या किया था? 2018 में ये प्रारंभ शुरू, पहले 2018 में शुरू किया गया था उत्खनन। और उसके बाद ये उत्खनन के दौरान दोस्तों यहाँ पर को क्या मिला था, 4000 वर्ष पुरानी एक कब्रगाह मिली थी और अन्य अवशेष भी खोजे गए थे। और 4000 वर्ष पुराने यहाँ पर को चावल मिली थी, चावल मिले थे। और जो कोठरियाँ होती हैं, कोठरियाँ बर्तन भी आदि खोजे गए थे यहाँ पर को, कहाँ पर को, सनौली में। और सनौली कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश इसके बागपत में, बागपत जिले में पड़ता है दोस्तों। और उत्खनन का जो कार्य पहली बार मैंने आपको बताया, पहली बार जो शुरू हुआ था 2018 में शुरू किया गया था, फिर उसको जनवरी 2019 में दोबारा से इसको शुरू किया गया था। और इसमें 4000 वर्ष पुराने मैंने आपको बता दिया कब्रगाह मिली है, और चावन मिले हैं, कठोरिया मिली है, और बर्तन से भरे हुए दाल से भरे हुए बर्तन भी मिले हैं, और मृत शरीर, मानव के मृत शरीर मिले हैं, जानवरों के मृत शरीर, कंकाल हड्डियां मिली हैं यहाँ पर को 4000 वर्ष पुरानी। और यहाँ पर को हथियार भी मिले हैं, तलवार और भोज्य पदार्थ आदि यहाँ पर को सनौली में प्राप्त हुए हैं। हम किसको प्राप्त हुए हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग को हुए हैं ये प्राप्त, ये चीजें जितने भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे, नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है दोस्तों? जो वायुसेना का जो नया उप प्रमुख बनाया गया है दोस्तों, किसको बनाया गया है? राकेश सिंह भदौरिया को बनाया गया है। ठीक है, जो इससे पहले जो वायुसेना के जो पहले जो इससे पहले जो उप प्रमुख थे दोस्तों कौन थे? अनिल खोसला थे, याद रखना। इन्होंने किसकी जगह ले रखी है? अनिल खोसला की जगह ले रखी है वायुसेना का नए उप प्रमुख के रूप में राकेश भदौरिया ने। और दोस्तों इनने कब लिया, ये 1 मई 2019 को इन्होंने क्या किया था, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 17वां क्वेश्चन है हमारा, मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई दोस्तों? मजदूर दिवस की अगर भारत की बात करें, ठीक है, मैं बोला हूँ ये अभी जो क्वेश्चन बना रखा है भारत के अकॉर्डिंग बना रखा हमने, जो मजदूर दिवस के रूप में मजदूर दिवस की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है भारत में दोस्तों? कब हुई है? 1 मई 1923 को हुई है। और कहाँ से हुई है? ये मद्रास से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये मजदूर दिवस कब शुरू में कब मनाया गया इसके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं दोस्तों। जो ये मजदूर दिवस दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय, जो अगर अंतरराष्ट्रीय की बात करें, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है दोस्तों उसको मनाने की जो शुरुआत है 1 मई 1886 से मानी जाती है। क्यों? जब अमेरिका की जो अमेरिका के जो मजदूर थे दोस्तों, मजदूर यूनियन ने क्या बोला था, जो यूनियन होते थे उन दिनों, यूनियन चलते थे, मजदूर यूनियन अभी भी चलती हैं लेकिन, तो दोस्तों जो मजदूर यूनियन थे उस समय के, उनने क्या किया था, जो काम करने का जो समय बोला था उनने 8 घंटे निश्चित करने को बोला था। 1886 की बात है ये, तो जो अमेरिकी मजदूर यूनियन थे उनने जो काम करने का समय था दोस्तों 8 घंटे से ज्यादा न रखने की मांग के लिए की थी। और भारत में जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने जो ये मजदूर दिवस की जो घोषणा करी है दोस्तों, कब करी है? 1 मई 1923 को की है। और कहाँ की है? जो मद्रास है दोस्तों, मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। कब की थी? 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। उस समय पे इसे क्या कहा गया था? मजदूर दिवस न कहके मद्रास दिवस के रूप में मनाया गया था ये मद्रास में। कौन? ये मजदूर दिवस। उसके बाद पूरे भारत में 1 मई 1923 को किस नाम से जाना गया? मजदूर दिवस से के रूप में जाना गया। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करेंगे तो 1 मई 1886 में शुरुआत हुई थी इसकी, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में, इम्फाल है दोस्तों, इम्फाल क्या है? इम्फाल जो है दोस्तों एक वायुसेना का युद्धपोत है, यानी कि INS इम्फाल है। कुल मिला के जो ये है दोस्तों, ये क्या है? INS इम्फाल है। इसको आप सीधे सीधे ये है कि इम्फाल में पढ़ के INS इम्फाल के रूप में ये रखना, सॉरी मैंने वायुसेना बोला, ये नौसेना का, ठीक है, नौसेना का INS इम्फाल क्या है? एक एक युद्धपोत है दोस्तों। इसमें क्या है, इसे भारत, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, INS इम्फाल ये भारत का एक नया युद्धपोत है। इसको क्या कर रखा है? भारत में ही डिजाइन व भारत में ही बनाया गया है।
सबसे बड़ी खासियत यह है इसमें, ये INS इम्फाल जो है दोस्तों, इसको भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। इसका जो जलावतरण किया गया, इसको जल में कब उतारा, कहाँ उतारा गया दोस्तों, इसका जो जलावतरण हुआ है दोस्तों, मुंबई के मजगांव के डॉक्स में जलावतरण किया गया है। इसका कहाँ किया गया है, मुंबई के जो मजगांव है दोस्तों, मजगांव डॉक्स में इसका क्या किया गया है, जलावतरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों जो पहला पृथ्वी दिवस है दोस्तों, कब मनाया गया था, 1970 में मनाया गया था दोस्तों, जो 22 अप्रैल 1970 में, कुल मिला के 22 अप्रैल 1970 में पहला जो था पृथ्वी दिवस मनाया गया था, और इसमें 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। ठीक है, इनने हिस्सा कितने लोगों ने लिया था, जो पहला पृथ्वी दिवस है दोस्तों वो अमेरिका में कब मनाया गया था, 22 अप्रैल 1970 में, और इसमें 20 मिलियन, याद रखना 20 मिलियन, धरती को बचाने के लिए, यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता है दोस्तों। इसमें 20 मिलियन जो 20 मिलियन जो अमेरिकी थे दोस्तों, उनने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। यानी कि मैं जो पृथ्वी दिवस है, आपको क्लियर हो गया होगा, ये 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया, और इसमें इनने क्या किया था, 20 मिलियन जो अमेरिकी है दोस्तों, कोई उसमें सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, कोई जाति धर्म की कोई बात नहीं हुई थी, सब लोग एक साथ आगे बढ़े थे, बढ़ चढ़ कर उनने भाग लिया था, कोई भी वर्ग, सब समाज का जितना भी वर्ग है सब एक साथ हो गया था उस समय। यानी कि 22 अप्रैल 1970 में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार जो पृथ्वी दिवस है उसकी थीम क्या थी। जो दोस्तों जो इस बार का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को, उसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्ट द स्पीसीज थी। याद रखना, प्रोटेक्ट द स्पीसीज, जो इनडेंजरस एनिमल होते हैं दोस्तों, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार में जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये थीम बनाई गई है, और इसका थीम का नाम क्या है, प्रोटेक्ट द स्पीसीज, यानी कि इस बार पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, प्रोटेक्ट द स्पीसीज थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।